Good morning, students. As you can see on your screens, that today we will start our next poem. Okay, the book is Honeydew. आज मेरे पास बुक नहीं थी तो फिर बुक के बजाय आज हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन से ही बुक का काम चलाएंगे. ओके, सो बुक है आपके पास Honeydew और पेज नंबर है 50 एंड पोएम नंबर इज 3. ये पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. ओके, तो मिस्ट्री कैट मतलब रहस्यमय कैट, बिल्ली. सो डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपके पास कोई पेट कैट है? क्या आपने कभी उसके बारे में कोई मिस्टीरियस बातें पता की हैं, देखी हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. ये कहना ईजी नहीं है कि हर कैट की जो है वो एक मिस्ट्री है, वो जो है रहस्यों से भरी है, बट मैकेविटी तो पक्का है. वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो अब मैकेविटी के बारे में क्या मिस्ट्री है, वो क्यों मिस्ट्री कैट कही जाती है, तो इस पोएम में हम जो है वो पता करेंगे. सो मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. तो मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है और उसको जो है ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक हिडन पॉ है, छिपा हुआ पंजा है. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. कि वो जो है मास्टर क्रिमिनल है, बहुत ही जमी हुई क्रिमिनल है, बहुत ही तेज क्रिमिनल है, जो कि हर कोई लॉ जो है, कानून जो है, उसको डिसोबे कर सकती है. डिफाई मतलब कि डिसोबे करना, डिसोबे उल्लंघन करना बोल सकते हैं. ये वर्ड मीनिंग्स जो है वो आप लिखते जाना, क्योंकि आपके स्टैंजा में पूछे जाएंगे इसका मीनिंग ना. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पायर. तो बैफलमेंट मीन्स के पजल. स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो लंदन की जो पुलिस फोर्स है उसको कहा जाता है. कि जो हमारे पास जो है स्कॉटलैंड यार्ड है, उसके लिए ये जो मिस्ट्री कैट है, मैकेविटी कैट है, वो एक बैफलमेंट है, वो एक पजल है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पायर. फ्लाइंग स्क्वाड्स मतलब फ्लाइंग आती है ना बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना, वो छुपते छुपाते आते हैं सीक्रेटली. तो वो यही कहते हैं कि जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, जो सीक्रेट लोग हैं, उसके भी जो है ये उन लोगों को भी ये डिस्पायर करती है. वो भी बहुत ज़्यादा इनकी निराश हुए बैठे हैं. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं क्राइम की जगह पर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होती है, मतलब मैकेविटी भाग जाती है. मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. कि मैकेविटी जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो उसने हर ह्यूमन लॉ को तोड़ा है, जहाँ तक कि हम ग्रेविटी का लॉ बोलते हैं ना, कि अर्थ अपनी तरफ को खींचती है, उसने तो इस लॉ को भी तोड़ दिया, मतलब वो किसी के हाथ ही नहीं आती है. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. कि उसकी जो पावर है ना, लेविटेशन मीन्स कि हवा में जो है बिना किसी सहारे के वो जो है उड़ती हुई देखी जाती है, और जिससे सारे के सारे लोग जो है वो स्टेयर रह जाते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं. एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप उस क्राइम की जगह पर, उस जुर्म की जगह पर पहुँचते हैं, तब मैकेविटी वहाँ पर नहीं होती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. आप उसको बेसमेंट में देख सकते हैं, ज़मीन के नीचे देख सकते हैं, उसको हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि मैकेविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. कि मैकेविटी जो है बहुत ही तेज़ चतुर चलाक है, और वो जो है टॉल है, थिन है. यू वुड नो हिम इन इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन. तो आप जब उसको देखोगे, तब आप जानोगे कि उसकी आँखें जो हैं संकन, मतलब उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल अंदर को धसी हुई हैं. हिज ब्रोज इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड. और उसकी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल इनके ऊपर को होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि तोड़ियाँ डाली हुई हैं माथे पर, ऐसे
उसकी जो आईब्रोज है वो ऊपर को उठी हैं, जैसे ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रही है, और उसका सिर जो है वो बिल्कुल डॉम्ड है। अगर हम यहाँ भी देखें ना, ये देखो इसके सिर जो है वो गोल सा है, और इसकी आईब्रोज जो है वो देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कुछ सोच रही है। ओके तो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज हमारा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहा है कि जूम वगैरह किया हुआ था ना मैंने थोड़ा सा। ओके ओके राइट, सो हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, कि उसका कोट भी जो है वो मिट्टी से भरा पड़ा है, उसके विस्कर्स मतलब उसकी मूछें जो हैं वो अनकॉम्ब्ड हैं। ये देखो कि उसकी मूछें जो है वो ऐसा लग रहा है कि उसको कंघी भी नहीं की हुई है, उसको अच्छे से संवारा भी नहीं गया है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, तो वो अपना सिर जो है वो इधर उधर घुमाती है, साइड 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 को घुमाती है, जैसे स्नेक करता ना अपना सिर जो है वो कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट करता है, आगे पीछे तो कर नहीं सकता, तो ऐसे ही कहते हैं स्नेक की तरह अपनी आंखें सिर जो है वो इधर उधर घुमाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, उसकी आंखें ऐसे आपको लगती हैं कि आपको लगेगा कि ये सोई हुई है, बट वो हमेशा जागती रहती है। मकैविटी मकैविटी देयर इज नो वन लाइक मकैविटी, तो कहते हैं मकैविटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। For he is a find in feline shape, a monster of depravity. कि अगर उसकी बॉडी की बनावट की बात करें तो he is a find in feline shape. Find means devil, शैतान, feline shape मतलब बिल्ली की तरह की बॉडी की शेप, तो उसकी जो है बिल्ली की तरह की बॉडी है, बिल्ली के शरीर में हम बोल सकते हैं कि वो एक शैतान है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, तो मॉन्स्टर मीन्स शैतान, उसको भी शैतान हो गया, दानव तरह को बोल सकते हैं आप। ओके और डेप्रेविटी मीन्स ऐसा बंदा, ऐसा एनिमल बोलो चाहे ऐसा ऑर्गेनिज्म बोलो, ठीक है, जो कि मोरली बिल्कुल करप्ट हो चुका है, तो वो बिल्ली की तरह का एक डेविल है, मॉन्स्टर है ऐसा जो कि मोरली बिल्कुल करप्ट हो चुका है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. तो आप कहते उसको गली में मिल सकते हो, आप उसको एक मॉल में देख सकते हो, आप उसको इधर उधर कहीं भी जो है वो मिल सकते हो, कहीं भी आपको वो मिल जाएगी, मतलब कि हमें नहीं पता कौन बंदे हमें मिलते हैं, वो कैसे हैं। ओके तो वो जो है उनमें से कोई ना कोई लोग जो है वो पक्का जो है वो मकैविटी की तरह ही क्रिमिनल होंगे, लेकिन जब क्या होगा, क्राइम होगा किसी जगह पर, क्राइम होगा, लेकिन जब हम उसके क्रिमिनल को पकड़ेंगे तो वहाँ पर मकैविटी हमें नहीं मिलेगी, मतलब वो क्रिमिनल हमें नहीं मिलेगा। वैसे हम हर बंदे को बोल सकते हैं कि जो भी गली में मिला, क्या पता वो कौन है, कैसी उसकी थिंकिंग है, कैसे उसके मॉरली वो सपोर्ट है, तो ऐसे कुछ भी नहीं हम कह सकते, बट क्राइम की जगह पर क्राइम करके वो बंदा जो है वो मकैविटी कैट की तरह जो है वो हमेशा गायब हो जाता है। तो टी एस एलियट जो है इसके पोएट थे, एंड हियर आर पोइम नंबर 3 हैज़ कम्प्लीटेड। ओके सो इसके वर्ड मीनिंग्स जो है वो अच्छे से करना, इसका सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चंस जो है वो हम जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।